हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर, हम नेगेटिव फीलिंग्स को अपने माइंड से कैसे निकालें। मतलब हमें लगता है कि हम बहुत कम इंटेलिजेंट हैं, हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करते हैं, हमें ग्रेस्प करने में बहुत टाइम लग जाता है, हम बहुत स्लोली काम करते हैं, मेरी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, है ना। सिंपल बात बोलूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके मन में कॉम्प्लेक्स है कि मेरे से बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, मेरी तो रैंक नहीं आ पाएगी, मैं उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, एंड सॉन्ग, तो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स, ये सब जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, इनको हम कैसे हटाएं अपने माइंड से, इस बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। देखो, एक बात मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इंटेलिजेंसी नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती। मैंने अपने वीडियोज में बहुत बार पहले भी समझाया है, ऐसे मत सोचो कि कोई इंटेलिजेंसी कोई चीज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा शार्प है हमारे से, उसका माइंड बहुत तेज चलता है, एंड सो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैटर करता है ना, मैटर करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में। जो आपको लग रहा है ना, आपसे बहुत तेज भाग रहा है, जो बहुत स्पीड से कंसेप्ट को ग्रैस्प कर रहा है, बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसका कारण पता है क्या है? उसने मेहनत बहुत करी है। बहुत ज्यादा उसने मेहनत करी है, या तो अभी या पहले। पहले इन द सेंस 11th 12th में उसने कोचिंग ली, मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रांग रखा, प्रूफ चीजों के उसने समझे थे कहीं ना कहीं लाइफ में, या आपने बीटेक में उसने बहुत मेहनत करी, कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग बिल्डअप किए, या मतलब सिंपल बात इतनी कहूंगा, किसी ना किसी मोड़ पे उसने अपनी लाइफ में मेहनत करी है, जिसकी वजह से वो अब काफी तेज भाग पा रहा है। बट आपने शायद मेहनत नहीं करी है, 11th 12th में भी नहीं करी, बीटेक में भी नहीं करी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप अपने पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल दो, बिल्कुल स्विच मार लो। स्विच इन द सेंस, पहली चीज मैंने काफी वीडियोस में पहले भी समझाया, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग करने का तरीका, कोई भी बात हवा में नहीं उड़ानी, प्रॉपर प्रूफ के साथ स्टडी करो। ठीक है, देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती, हमारे ब्रेन में ना पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स, ओके, और उन पैटर्न्स के हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल, जैसे लॉजिक में बोलते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, तो पी इम्प्लाइज आर, ट्रांसिटिविटी, ऐसे ही ए इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, हम ऐसे लिंकिंग करते हैं। तो अगर आपके माइंड में ए इक्वल टू बी बहुत अच्छे से फिट है, बी इक्वल टू सी बहुत अच्छे से फिट है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे अच्छा जी ए इक्वल टू सी, हमारा काम खत्म। लेकिन अगर ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी आपके माइंड में प्रॉपरली फिट नहीं है, तो आप ए इक्वल टू सी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप थ्योरम्स को प्रूव करेंगे मैथमेटिक्स में बैठ, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपने थ्योरम्स देखी, उनको प्रॉपरली प्रूव किया, रटा नहीं, प्रॉपर प्रूव किया, खुद से कोशिश करी, नहीं हुआ तो वीडियोस देखे, वीडियोस नहीं तो बुक्स देखे, कुछ भी करके एक एक चीज का आपने प्रूफ किया, तो क्या होगा, बहुत सारे पैटर्न्स आपके माइंड में बन जाएंगे। अब उससे क्या फायदा होगा कि आपके जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे, तो कोई ना कोई चीज आपके माइंड में अपने आप से क्लिक होगी, अच्छा मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा चलो मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एंड सॉन्ग। ठीक है, तो जैसे काफी बात बोला जाता है आउट ऑफ द बॉक्स सोच के क्वेश्चन का आंसर कर लिया हमने, एंड सॉन्ग, तो वो कैसे सोच लिया? रियलिटी में आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं होता भाई। हुआ क्या है पता है, जैसे आपने कोई नया अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो वो अप्रोच आज नहीं तो कल आपने कभी ना कभी पहले देख रखी थी, और उसी को आपने आज यूज किया है, या तो उसी को या उसको थोड़ा सा मोल्ड करके यूज किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज आपने कर ली, नहीं, बिल्कुल नई चीज नहीं आ सकती कभी भी, इस बात को समझो। ओके, स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो सिंपल बात मैं ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे फिलहाल आप हो, आपका फ्रेंड भी यहाँ पे है, आप यहीं पे ही रह गए, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, वो बार बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू ई, ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ा है, अब वो यहाँ पे खड़ा है। तो अब जैसे ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी तक वो यहाँ पहुंच चुका है, और आधे डी इक्वल टू ई तक पहुंच चुका है। तो अब अगर वो यहाँ खड़ा है ना, तो एक झटके में बोलेगा ए इज इक्वल टू ई होता है, लेकिन आप क्योंकि यहां खड़े हो, आप तो ए इक्वल टू बी भी नहीं कर पा रहे, तो ई तक कहां से पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे भाई। तो यही फर्क है बस, जो आपका फ्रेंड आपसे आगे निकला हुआ है ना, उसने लाइफ में पहले किसी ना किसी मोड़ पे उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और उसको प्रूफ आते हैं चीजों के, बेशक से वो माने या ना माने, सबकॉन्शियसली उसके माइंड में चीजें हैं, उसने अप्रोच करी है, क्वेश्चंस नए नए सीखे हैं।
आपने नहीं सीखे इसलिए आप पीछे रह गए हो, ठीक है। तो वो यहाँ है क्योंकि उसने मेहनत करी है, और आप यहाँ हो क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी है, ठीक है। तो अब तो डिफरेंस समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे बैठे बैठे आपको लगेगा कि ये मेरे से बहुत ऊपर है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसका तो दिमाग ही बहुत तेज चलता है एंड सॉन, बट ये गलत बात है। उसका दिमाग तेज नहीं चलता, उसने चीजें समझ रखी हैं पहले से, तो बस अब वो लिंकिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। एक चक्कर है, ऐसे चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो उसने चक्कर इतना बड़ा कर लिया है कि उसका चक्कर बहुत, मतलब एक राउंड है, एक व्हील है, उसका व्हील बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है। कारण, क्योंकि उसने पहले बहुत घुमा रखा है, ठीक है। लिंकिंग कर जाता है वो बहुत जल्दी चीजों की। द ओनली थिंग इज लिंकिंग। आप लिंकिंग कर नहीं पाते क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है भाई। अगर आपने पढ़ा होता तो लिंकिंग क्यों ना करते? तो लिंकिंग क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है तो इसलिए वो लिंकिंग करके फटाफट से क्वेश्चन को अप्रोच करके खा जाता है उस क्वेश्चन को, और आप तो उसको देख भी नहीं पाते ढंग से, वो निकल जाता है क्वेश्चन को देखते ही, इतनी जल्दी स्पीड से अटैक करता है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। बात समझ रहे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तो प्लीज इस बात को कोशिश करो समझने की, इंटेलिजेंसी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत होती है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। अगर आपने मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, तो फिर आप कैसे काम करोगे? बात समझ रहे हो? बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, कहीं से भी कुछ भी करके नॉलेज ग्रैस्प करो। जितनी ज्यादा नॉलेज आप ग्रैस्प कर लोगे उतना ज्यादा इंटेलिजेंट आप बन जाओगे। सिंपल बात। आप वैसे इंटेलिजेंसी कुछ नहीं होती, मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए, बट आपकी भाषा में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, पढ़ाई करो, जोर लगाओ। अभी एकदम एक्सपेक्ट मत करो कि आपका दिमाग चलना शुरू होगा। चलने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरम्स को समझो, अच्छे से प्रूव करो, रटो कुछ भी मत। उसके बाद देखना एक रेवोल्यूशन नजर आएगा आपको, आपके अंदर। आप क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीके बदल जाएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन को देखोगे, अच्छा ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे बातें करनी शुरू करोगे आप, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ऐसी बातें करते होंगे और आपको देख के बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता होगा कि पता नहीं ये कैसे कैसे सोचते हैं एकदम, मैं तो सोच ही नहीं पाता। ये कहते हैं अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ओहो, ये तो बॉर्न जीनियस है, ये तो पता नहीं कैसे सोचता है, ये तो पता नहीं इसमें कितना तेज दिमाग है। अरे कुछ नहीं है, उसने मेहनत कर रखी है भाई। 11वीं 12वीं में जेई की कोचिंग ली होगी, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर रखी है उसने, प्रॉपर उसको पता है फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होती है, एक एक बात ढंग से उसके दिमाग में फीड है, तो बहुत जल्दी काम करता है। आपको नहीं आती तो आप नहीं कर पा रहे हो, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ पा रहे हो? तो मेहनत उसने कर रखी है इसलिए वो यहाँ खड़ा है, और आपने मेहनत नहीं करी इसलिए आप यहाँ खड़े हो। तो जैसे आप देखते हो, मेरे को बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चे मेरे को बोलते थे कि सर ये सब ऐसे ग्रुप बना के खड़े हैं तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से सोच के ले आते हैं, पता नहीं कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता। अरे वो क्यों, आप क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आपने वो चीजें देखी नहीं है लाइफ में। उन्होंने बहुत देखी है, बहुत मेहनत करी है। आई थिंक समझ पा रहे हो गया ना? मैंने काफी बार रिपीट भी करा अपने पॉइंट्स को, अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। द ओनली थिंग इज मेहनत। जितनी ज्यादा आप मेहनत करते जाओगे, समरी दे रहा हूँ बस अब लेक्चर की, है ना, जितनी ज्यादा आप मेहनत करते चले जाओगे, जितने नए नए क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे, जितने नए नए तरीकों से चीजों को प्रूव करते जाओगे, थ्योरम्स को प्रूव करते जाओगे, बस उतने ज्यादा आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओगे। थोड़ा टाइम वेट करो, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद देखना बिल्कुल चेंज हो जाएगा आपका माइंड। यहाँ है ना, आप सीधे यहाँ जंप मार दोगे, ठीक है। बट शर्त ये है, रटना कुछ नहीं है, एक एक बात को प्रूव करने की कोशिश करनी है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने उसकी अप्रोच भी देख ली कि अच्छा इस टीचर ने ऐसे अप्रोच करके समझाया है, तो एक क्वेश्चन माइंड में लाओ, क्यों उसने ऐसा क्यों सोचा, उसने ऐसा कैसे सोचा, और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, या मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, इस स्टाइल से सोचो। 1 से 2 महीना लगाओ, उसके बाद देखना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन नजर आएगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।